मच गई, भगदड़ मच गई, सारों तरफ भगदड़ मच रही है और भ्रष्टाचारी मैदान छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। मोदी जी का कराम हंटर है या बबलू जी का हंटर है ये तो पता नहीं चल रहा, लेकिन जिस तरह से मेट्रो के अंदर भगदड़ मची है, लोग नौकरी छोड़ के भाग रहे हैं, लोग दनादन इस्तीफे दे रहे हैं, कोई छुट्टी पे चला गया है, कोई कहीं चला गया है, क्या लगता है मोदी जी का हंटर चल रहा है जी? जी, मोदी जी का हंटर चल रहा है तभी दिल्ली मेट्रो में जो फर्जी डॉक्यूमेंट पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो नौकरी छोड़ने का मन पहले ही बना लिया था कि अब मोदी जी का बबलू का हंटर चलेगा तो अब जेल जाने का काम करेगा। मैं उनसे मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा, वो कहीं से कहीं तक नहीं बचेंगे। नौकरी छोड़ दें, चाहे पाताल में चले जाएं, चाहे हिंदुस्तान छोड़ के चले जाएं, उनको रगबरी भी देनी पड़ेगी, उनको जेल भी जाना पड़ेगा। और जीएसटी के नाम पर जो पैसा जो गरीब लोगों से जो जॉब के नाम पर वसूला गया है वो भी उनको वापस करना पड़ेगा। ये लगातार मोदी जी के हंटर की बात कर रहे हैं, दिल्ली मेट्रो में ऐसी खबरें आ रही हैं कि लोग नौकरी छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, दिल्ली में जो है ना, जो अन्ना आंदोलन जो हुआ था, मेट्रो की बात करें, मेट्रो में भ्रष्टाचार चल रहा है, मेट्रो में भ्रष्टाचार चल रहा है तो सरकार का बेवकूफी है। जो दिल्ली सरकार है ना, भ्रष्टाचारियों को सजा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। मेट्रो में जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है सजा होनी चाहिए उनको। मेट्रो दिल्ली सरकार को और इन दोनों को अगर हो रहा है तो करना चाहिए, जो भ्रष्टाचार पर जो है एक्शन लेना चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। क्या लगता है बबलू जी, आम जनता तो ये कह रही है कि भ्रष्टाचारियों पे हमला होना चाहिए, मोदी जी का हंटर चलना चाहिए। मैं मीडिया के माध्यम से बोलना चाहूंगा कि लोगों को पता लगता है कि दिल्ली मेट्रो बहुत स्वच्छ है, उनको पता नहीं है कि दिल्ली मेट्रो के अधिकारी कितने भ्रष्टाचारी हो चुके हैं, पैसे के जीएसटी के नाम पे ठगाई वो करा रहे हैं, भर्ती के नाम पे ठगाई वो करा रहे हैं। अब मोदी जी का जो हंटर चलेगा इसमें वरिष्ठ अधिकारी मेट्रो कर कंपनी के मालिक और मैनेजर सभी जेल जाएंगे, और जो भ्रष्टाचारी जो हैं, जो वसूली करके देते हैं, जो फर्जी डॉक्यूमेंट में जो काम कर रहे हैं, सही काम करने वाला वसूली करके उनको नहीं देगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वाला उनको वसूली करके नहीं देगा, जो फर्जी डॉक्यूमेंट में जो काम कर रहा है वही तो दब के रहेगा, जो सही होगा क्यों डरेगा। तो मैं बोलना चाहूँगा, इन भ्रष्टाचारियों का खात्मा होने का टाइम आ गया है, इनको जेल जाने का टाइम आ गया है। और साथ ही साथ सुपरवाइजरों के साथ, अब सुपरवाइजर ही जो फर्जी डॉक्यूमेंट में जितने भी सुपरवाइजर काम कर रहे हैं यही कंपनी के मालिक दिल्ली मेट्रो के वरिष्ठ अधिकारियों की पोल खोलेंगे तो इसमें सभी के सभी फिर जेल जाएंगे। लगातार ये खबरें आ रही हैं कि कोई नौकरी छोड़ के चला गया, कोई कुछ चल कर के सुपरवाइजर, लगातार आपने जैसे दावे किए थे उन दावों को सच होता प्रतीत हो रहा है क्या? जी, ऐसा है, उन्होंने मुझे बंदर वाली घुड़की दी। हाँ। मैंने कही एक फर्जी डॉक्यूमेंट है, जितने काम कर रहे हैं उनके खिलाफ एक एक्शन लिया जाएगा। हाँ। तो कहे बबलू ने अगर एक्शन लिया है तो मानहानि लगा देंगे। हाँ। इस मानहानि से मैं डरने वाला नहीं, से भी नहीं डरते नहीं। मोदी जी तो साथ में, मोदी जी का आशीर्वाद है, वो ये कह रहे हैं कि तुम पे मानहानि लगा देंगे, मोदी जी पे भी लगा देंगे, मोदी जी पे मानहानि। हाँ, क्योंकि दिल्ली मेट्रो के जो भ्रष्ट अधिकारी है ना, इनके पास पैसा ब्लैक मनी जो है ना, इसलिए इनका भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। मैंने संकल्प लिया है कि दिल्ली मेट्रो में जो भ्रष्टाचार, एक तो भर्ती प्राइवेट नौकरी में 2-2 लाख से लेकर 3-3 लाख रुपए भर्ती लेते वो खत्म कराना है, और ड्यूटी लगाने का जीएसटी के नाम पर जो पैसा लेते हैं वो भी बंद कराना, उसका भी। और जो फर्जी डॉक्यूमेंट पर आज दिन तक जो सुपरवाइजर काम कर रहे तो हो गए बबलू जी, बंद हो गए, अभी बंद नहीं हो गए, जब तक जेल नहीं जाएंगे तब तक मानेंगे नहीं। इनको जेल जाना पड़ेगा और 10-10 साल से जो इन्होंने नौकरी की है वो उनको वसूली देनी पड़ेगी। इनको स्टेटमेंट निकलवा करके दिल्ली पुलिस का हंटर चलने वाला है, मोदी जी का भी हंटर चलने वाला है। आप चौरे में बोलने लगे, खुले में बोलने लगे, पब्लिक में बोलने लगे, बदनाम नहीं कर रहे हो मेट्रो को आप? मेट्रो में जो चोर होते हैं उनको बदनाम क्या करना, जो आदमी खुद ही चोरी कर रहा है वो आगे, अगर वो चोर नहीं होते तो एक दिन बोलेगा आदमी, 2 दिन बोलेगा, 3रे दिन खुद जेल में होगा, किसी गरीब आदमी को क्यों कोई बदनाम करेगा? तुम चोर हो तभी तो नहीं बोल पा रहे हो। वहां से एप्लीकेशन आती है, साफ करके भेज देते मेट्रो वाले। सबसे बड़े भ्रष्ट जो अधिकारी है दिल्ली मेट्रो के अधिकारी है, और जो भर्ती में जो फर्जीवाड़ा चला है, फर्जी डॉक्यूमेंट में जो भर्ती करते हैं, क्योंकि उनको 3 लाख रुपए चाहिए होते हैं, गरीब आदमी दे रही है 3 लाख, 3 लाख आपने देखा जंतर मंतर तो नहीं कर रहे हो? दिल्ली मेट्रो का कितना बड़ा जेएमडी का जो भ्रष्टाचार है, ओरियन का भ्रष्टाचार है, कितना बड़ा जंतर मंतर में धरना चला आपको बताया ना, दुनिया देखा है, मोदी जी तक बात पहुंच गई है,
और मोदी जी से मैंने इसीलिए टाइम लिया है, इन कांगला आपको मोदी, हाँ टाइम मिल जाएगा, जो क्या बोलते हैं 4-5 दिन बाद जो सत्र खत्म हो गया है, अब उसके बाद बता दिया था टाइम मिल जाएगा अधिकारियों ने। अरे हम मोदी मोदी किसी से नहीं डरते, नहीं वो नहीं डरते, वो जेल जाएंगे, वो किसी से नहीं डरेंगे, कानून से डरेंगे, परमात्मा से भी डरेंगे, उनको जेल जाना पड़ेगा, कोई रोकने वाला नहीं है। मैं मीडिया के माध्यम से बोलना चाहूंगा, जो लोग नौकरी आज और कल में परसों में नौकरी छोड़ गए हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट छोड़ गए हैं, नौकरी छोड़ गए हैं, ऐसे आती है खबर, खबर तो हमारे भी खबरी है लगे हुए हैं, ऐसा थोड़ी नहीं है, ऊंट की चोरी नौरे नौरे नहीं होती है, चोर को पता लग जाता है चोर कहाँ है, जैसे ट्रेन में चलो बिना टिकट हो ब्लैक कोट पहन के आया तो आदमी उतरने लगते हैं, वो हिसाब हो गया, बबलू का हंटर चल गया, बबलू की एप्लीकेशन चलने लगी, अब उनको जेल जाने पता है, अब जेल जाना पड़ेगा कि फर्जी एप्लीकेशन में उनको रिकवरी भी देनी पड़ेगी और जितने दिन काम किया है वो देनी पड़ी, जब जेल जेल जाएंगे ना तो कंपनी के मालिक की भी बोल खोल के जाएंगे, दिल्ली मेट्रो के अधिकारी जो जीएसटी के नाम पे वसूली कराते हैं जो कर्मचारियों से उनकी भी बोल खोल के जाएंगे। कमेंट में आपको चैलेंज दिया गया है कि जो उखाड़ना है उखाड़ लो, हम तो यूं ही चलेगी ये तो यूं ही चलेंगे, कुछ नहीं जो क्या बोलते हैं वो चोर होते हैं चोर मचाए शोर, बबलू किसी से डरने वाला नहीं, बबलू को कितनी धमकियां मिली, आए दिन तक धमकियां मिल रही हैं, जान से मारने की मिल रही हैं, कंपनी के मालिकों से मिल रही हैं और सुपरवाइजरों से भी मिल रही हैं, काफी लोग ऐसे हैं जो धमकियां दे रहे हैं, मगर बबलू डरने वाला नहीं, बबलू लड़ने वाला है, अगर ये चोर नहीं होते ना, ये चोर नहीं होते तो 7 महीने से मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ भ्रष्टाचार के खिलाफ, लोगों को दिखाई देती हो कि दिल्ली मेट्रो कितनी अच्छी है, आप 500 का नोट लेके जाना 100 रुपए काट लेंगे टॉम ऑपरेटर, और ये दिल्ली मेट्रो के अधिकारी और दिल्ली की मेट्रो के कर्मचारी ये मिलके चोरी कराते हैं। मैं मीडिया के माध्यम से बोलना चाहूंगा कि इन लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और कोई बचने वाला नहीं है, मेरा संकल्प यही है कि दिल्ली मेट्रो में आप तो नौकरी छोड़ दी तो काय की कार्रवाई, अरे नौकरी छोड़ दी है, अगर क्राइम कर दिया आपने, मर्डर कर दिया, गांव छोड़ के चले गए तो पकड़े नहीं जाओगे, पकड़े जाओगे, दिल्ली पुलिस का हंटर चले, देश छोड़ दिया तो देश से बाहर से भी आ जाएंगे, मतलब आप वो भी लगा दोगे NIA लगा दोगे, वो कहीं नहीं जा सकते वो सिर्फ जेल जाएंगे, और इतना पैसा है आप कह रहे हो करोड़ों रुपया है तो मॉरिशस चले जाएंगे, कनाडा चले जाएंगे, कहीं भी चले जाएंगे, एक तीर्थ गया, बैंक का घोटाला करिए क्या, कहाँ से छूट गया, कैसा हो गया, एक तीर्थ से दो निशाने, एक तीर्थ से दो निशाने, दिल्ली मेट्रो में जो सुपरवाइजर जो दलाली करने का काम करते हैं वो फर्जी डॉक्यूमेंट में पूर्ण तरीके से लिप्त है, वो पकड़े जाएंगे, पता है विदेश भागने की तैयारी हो, कहीं भी जाए हिंदुस्तान जाए पाकिस्तान जाए कहीं भी जाए वो बचने वाले नहीं है, वो जेल जाएंगे और उनको रिकवरी भी देनी पड़ेगी, और प्रॉपर्टी इतनी जल्दी थोड़ी बेच लेंगे, जो ब्लैक मनी से जो उन्होंने प्रॉपर्टी ली है उससे उसका भी पूछा जाएगा, आपके 18,000 पर सैलरी 2 करोड़ की संपत्ति का है, डॉलर में बना लेंगे नोट, कहीं से भी कुछ भी बना ले वो जेल जाएंगे, और कंपनी के मालिक भी जेल जाएंगे, कब तक भागोगे उनके पीछे, भाग गए वो तो, वो भाग जाए कहीं भी जाए, मेरा तो हंटर चल रहा है, मोदी जी का आशीर्वाद, मोदी जी का और दिल्ली पुलिस का हंटर पूर्ण तरीके से चलने लगा है, तो जेल जाएंगे, ये तो दिल्ली मेट्रो के जो वरिष्ठ अधिकारी है जो फर्जी एप्लीकेशन कराते हैं दिल्ली मेट्रो में पैसे के आधार पे, जे 10th पास को तो ग्रेजुएशन पास बना देते हैं, 3 लाख रुपए दे दो सुपरवाइजर बन जाओ, 2 लाख रुपए दे दो टोकन ऑपरेटर बन जाओ, लुटती है आम जनता के साथ क्या होता है, 500 का नोट दे देंगे तो 100 रुपए काट लेंगे, उसमें तो सुपरवाइजर भी हिस्सा लेते हैं, दिल्ली मेट्रो के अधिकारी भी लेते हैं और साथ ही साथ कंपनी के मालिक को, गंभीर आरोप लगा रहे हो, गंभीर आरोप नहीं है सच है, आप अभी भेज दीजिए दिल्ली मेट्रो में, और इतने लोग खड़े हैं ना कोई जरूर कटा होगा, और इनको पता नहीं है, सैकड़ों लोग सुन रहे हैं बबलू जी, आप तो सुन रहे हैं, इनको भी तो अवगत कराना है, इनको भी दुकान में जाए कि दिल्ली मेट्रो बाहर से कितनी साफ सुथरी दिखती है, ये अपने पढ़े लिखे बच्चे को लेके जाएंगे बिना पैसे के, भर्ती नहीं होगा, कोई भी चला जाओ बोल देना जाके भैया मुझे दिल्ली मेट्रो में जॉब करनी है, 3 लाख की डिमांड रख देंगे ना, इनके पास 3 लाख होंगे और ना वो भर्ती होगा, तो बताइए इतना बड़ा घालमेल चल रहा है, तालमेल नहीं, दिल्ली मेट्रो के अधिकारी ये सब भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और जो जेल जेल जाएंगे, क्या कहना चाहोगे आप जो विरोधी देख रहे हैं आपको, मैं बोलना चाहूंगा उनको कि कहीं भी जाओ हिंदुस्तान चले जाओ पाकिस्तान चले जाओ, मोदी जी का अंडर चल गया है, दिल्ली पुलिस ने पूर्ण तरीके से कार्रवाई कर ली है और उनके पास खबर पहुंच चुकी है, आप कहीं से भी नहीं बचोगे, तुम्हारा सारा रिकॉर्ड तुम्हारा आ गया है। देखिए लगातार दिल्ली मेट्रो पे सवाल उठते जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं बबलू जी ने दावा किया है कि लोग अब नौकरियां छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, मोदी जी से शिकायत भी हुई है, पीछे इन्होंने दावा भी किया था, मोदी जी को पत्र लिखा है और उनसे मिलने का टाइम मांगा है, अब देखना कब है कि मोदी जी कब इनको मिलने का टाइम देते हैं, और जैसे ही मिलने का टाइम देगा जो भी अपडेट होगा मिनी संसद पर हम आपको बताते रहेंगे।